गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, आई होप सब बढ़िया हो। आज है एक नया दिन और इसी के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की भी शुरुआत। सो फैमिली, मैं काफ़ी खुश हूँ। थंबनेल में वैसे पता चल गया होगा आपको क्यों खुश हूँ। सो बड़ा सरप्राइज़ है, वीडियो के एंड में रिवील करेंगे। एंड साथ में आज मैं सेक्टर आया हुआ हूँ, देख सकते हो सेक्टर वाले घर में। आज यहाँ पर पूजा है छोटी सी, सो उसको अटेंड करेंगे। एंड एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर भी है उसी की वजह से। सो मेन बात पर आएंगे हम लास्ट में। सो अभी मुझे जाना है बैंक, मैं आज की छुट्टी नहीं ले सकता। सो बाकी की ब्लॉगिंग करेंगे, बाकी सब देख लेना, देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं वो। सो मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। ओके फैमिली, वीडियो डाल लांगे पक्का, वीडियो डाल दिए। अरे डिलीट मार दा, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं। कहा था कौन देखता भाई? 300 300। भाई जी ये क्या कह रहा है? हेलो हेलो भाई जी ये कह रहा है कोई व्लॉग नहीं देखता आपका। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? 89 बता रहे। ए 89 कितना होता है बताओ बताओ। 98। वाह Wow. कैसा लगा मेरा मजाक? वाह, 98 कितना हुआ है? 69 बता दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वाह वाह, 68 68 होता है। 68 68 कितना है? 66 ये क्या कर रहा है? यो इकड़ा आशाना 68 कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भी ओवर सट सट भी हुआ है। क्या तू बता दे? 67 67 क्यों है? 67 क्यों है फिर? 67 क्यों है? 67 क्यों है? चला गया। 67 क्यों है? एक नाम याद को नहीं होता है। 67 आ गया औकात पे, आ गया ना औकात पे। अरे अपडेट मांग रहे हैं। ले आओ भैया जी, ले आओ। अपडेट मांग रहे हैं। तू देवा भाई, तू ला के दिखा दे बिना अपडेट के। भाई आ गया चलान कटेगा किस चीज का भाई साहब? हेलमेट है, कागज पूरे, लाइसेंस है लोंडे पे। ट्रिपलिंग कराते नहीं हो इनका एक चार भावे मारा पड़ने लाग रहे। 5-10 दिन में पूरा हो जाओ उसमें बताने हैं ये अपना कमरा खतर। और भाई ये नाली वाला ना चला दी दोनों गाड़ी में, वीडियो भी और वीडियो भी चल रहे हैं। अरे एक ही बात थी भैया, I've been moving calm, don't start no trouble with me. वाल से बता लानेदार ने के संतानी जा। कैमरा तो बोन हुआ है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बुआ जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। गेट टुगेदर हम इकट्ठा हुए हैं, भतीजी, बुआ और मेरी बुआ। तीन पीढ़ियां इकट्ठी हो गई है, इकट्ठी हो गई है। बड़ा अच्छा लग रहा है ना? खाना कैसा लगा आपको? खाना तो टेस्टी था। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि भाई भाभियों का प्यार, उनका दिल इतना बड़ा है जो हमारा मान सम्मान रखते हैं, है ना? ये है मेरे पापा की बुआ। ये है हमारी दीदी।
ये है हमारी चाची जी जिन्होंने गेट टुगेदर प्लान किया है। ये आज का मेन्यू। यूवी क्या देखना है आपको? क्या देखना है यूवी? ट्रेन देखनी है। वहाँ पे क्या है? साहिल मामू ने क्या ला रखा है? फिश। अच्छा ऐसे बताओ चिड़िया कैसे करती है? सो है फैमिली, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था आपको एक गुड न्यूज़ देनी है एंड वो गुड न्यूज़ देने का टाइम आ चुका है। रेडी हो? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए क्योंकि थोड़ी बहुत ना लाइफ सिक्योर हो चुकी है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन चलो दिखा देता हूँ क्या है, उसके बाद बताता हूँ उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा जो GDS में जो है ना सिलेक्शन हो चुका है, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, जो पोस्ट ऑफिस होता है ना उसमें सिलेक्शन हो चुका है। GDS के थ्रू ये ना रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है एंड काफ़ी खुश हूँ। ज़्यादा खुश नहीं हूँ, खुश हूँ, लेकिन जो GDS में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है इसमें मुझे पोस्ट मिली है BPM की, ब्रांच पोस्ट मास्टर की। एंड मेरी जो रिक्रूटमेंट है एंड जो मेरी पोस्टिंग है वो आई है राजस्थान में। ये थोड़ी सी दिक्कत है, सो पहले देखेंगे राजस्थान जाकर, क्योंकि वहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है एंड साथ में वहाँ पर जाकर देखेंगे जहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई है ना जिस ब्रांच में है वहाँ का आसपास का एरिया देखेंगे, माहौल देखेंगे कैसा है, क्या कुछ है, रहने के लायक है या नहीं है, तो ज्वाइन उसके बाद डिसीजन लेंगे ज्वाइन करें या नहीं करें। क्योंकि अभी मैं प्राइवेट बैंक में लगा हुआ हूँ और हिसार के हिसार में होम टाउन में हूँ, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखेंगे उसमें जाकर कि वहाँ का माहौल कैसा है, ठीक है ना। तो यही थी यार आज की खुशखबरी। कैसी लगी? अगर आपको भी थोड़ी बहुत खुशी हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। एंड GDS के बारे में आपको नॉलेज दूंगा, क्या होता है, क्या 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 काम करना होता है, कितनी सैलरी होती है, क्या प्रमोशन होती है, ये वगैरह भी आपको आने वाली वीडियोज़ में पता लग जाएगी। एंड 4-5 और सरप्राइजेज आपके लिए, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताता रहूँगा धीरे धीरे। एक साथ इतनी खुशी देनी नहीं चाहिए, क्या पता कुछ हो जाए ना, धीरे धीरे खुशियाँ बांटेंगे तभी मज़ा आएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव्स अ थम्स अप, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। सो फैमिली आज की वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्पॉटिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।